इमेजिन कितनी शादियां की मैंने ऑन स्क्रीन, लाइक पहली बार जब जेन्यून सिंदूर उठाया और जेन्यून मांग भरने जा रहा था, यहीं पे हाथ अटक गया, सारे मिर्जापुर वाली गालियां याद आ रही थी, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। तब ये ना फॉर्चुनेट ने अपने मास्क पहने हुए थे, मास्क के पीछे से आ रही थी शाम सिंदूर डाल सुहागरात प्रपोजल कुछ तो सीरियसली ले ले यार। दोनों को देख के क्या लगता है ज्यादा कौन बोलता है? मुझे भी बोलना पड़ा, जो कुछ बोला मैंने बोला, जो कुछ किया मैंने किया, सारी गॉसिप निकलवा ले। यार अभी हमें खुद पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या कैसे कब, तो खुद भी पता नहीं था। मजाक मजाक में बात शुरू हुई और यहाँ पहुँच गए। बात आई थिंक 3 महीने की जुदाई ने थोड़ा ये वो कर दिया, मतलब दिमाग खराब कर दिया था। जून में 3 महीने हो चुके थे एंड वी हैड नॉट मेट और देयर वाज समथिंग आई वाज वेरी बिजी विद। वो काम खत्म होने के बाद इमिजिएटली मेरे डैड ने, मैंने कहा आज मैं छुट्टी लूँगा, तो पापा ने कहा अच्छा 3 महीने में फिर छुट्टी लेगा? मैंने कहा हाँ। एक काम कर बेटा शादी भी कर ले। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो वहाँ से मजाक मजाक बात शुरू हुई, मजाक सुबह से लेके दिन हुआ तो और लंच टाइम तक और सीरियस हो गया। इसको फोन किया, लिसन मम्मी पापा से बात कर सकते हैं? बोलते पागल है, कैसे तो बात होती है। फिर बोल दिया अच्छा ठीक, गिव मी सम टाइम। 4 बजे पेरेंट्स की मीटिंग फिक्स की ऑन द वीडियो कॉल एंड दे स्पोक रात तक बात पक्की एंड शादी पक्की एंड वी आसेल्स कुडंट बिलीव कि हो गया। अब कमिटमेंट दिया, फंस गए। 2 डेट मिली, 1 मिली 15, 1 मिली 30। तो अभी उन दोनों डेट में से भी कंफ्यूजन था कि कैसे करें, 15 वाज टू क्लोज। तो फिर फाइनली 30 का डिसाइड किया एंड वी प्रिपेयर्ड अ लिटिल फॉर द शादी एंड या वी डिड दैट शादी चोरी छुपके। रैंडमली वी जस्ट मेट एट सुची मैम्स पार्टी एंड वहाँ पे सब लोग थे एंड वी वर जस्ट हैविंग फन एंड सडनली आ गया अकेले पास में बैठी। तो मैंने कहा यार क्या बात करूँ इसके साथ, तो इसके बारे में कुछ गॉसिप चल रही थी उस टाइम पर। तो मैं बोला इसको, इसी को पकड़े बोला आओ बहन चुगली करे। तो चीजें है क्या हुआ? जो मुझे प्यार तो मुझे हुआ है ना, मैं पीछे पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो म्यूचुअली ऐसा धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद, हम लोग शायद दिसंबर में मिले थे 3 साल पहले, तो उसके बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, या इट्स गुड, कंपनी अच्छी लगती है। और लड़की का साबुन स्लो है, इतना धीरे स्लो साबुन चलता है ना, मैं बैठ के देख रहा हूँ कब इसको प्यार हो गया यार, मेरे को तो हो गया नहीं, चले जा रही है धीरे 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 धीरे। तो या दैट्स व्हाट इट वाज, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एनी वांटेड मी टू से दोनों को देख के क्या लगता है ज्यादा कौन बोलता है? मुझे भी बोलना पड़ा, जो कुछ बोला मैंने बोला, जो कुछ किया मैंने किया। असली प्रपोजल तो शादी के बाद हुआ और जो रिप्लाई मिला है असली प्रपोजल, क्योंकि एक्चुअल में मौका मिला नहीं ना ढंग से। तो एज आई सेड इट वाज अ लिटिल म्यूचुअल फीलिंग, तो वो रियलाइज नहीं हुआ कि वो प्रपोज किसने किया, बात किसने बढ़ाई, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हां एंड आई लव ड्रामा, तो मैंने शादी की फर्स्ट नाइट पे मस्त जैसे ही अंदर गई, बिकॉज लॉकडाउन है कहीं जा भी नहीं सकते, तो पूरे ये गई मैंने, इट वॉज लाइक आई नो कि ये नहाने में तो बहुत टाइम लगा दिया। तो उतने में मैंने पूरा रूम डेकोरेट किया, कैंडल्स और ये सब कुछ सेट करके मैं घुटने पे व्हाटएवर दैट लेके डिब्बी एंड आई एम सिटिंग एंड शी एंटर्स मी। बता तेरा रिएक्शन, बता व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा सुहागरात प्रपोजल कुछ तो सीरियसली ले ले यार, रोमांस। अरे लेट मी बी ऑनेस्ट, उसे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया था, विद इन 5-7 मिनट्स आई वाज आउट। मैं जैसा रूम छोड़ के गई थी मैं बाहर आई हूँ, सडनली एवरीथिंग इज चेंज्ड, कैंडल्स लगी हुई हैं,
स्कूल है, ये हुआ कैसे, वो इतनी जल्दी किया कैसे, मतलब वो इतना सब थॉट्स एक साथ, मेरा साबुन थोड़ा स्लो है ना, जब जल्दी चलना चालू हुआ तो मैलफंक्शन हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, सोचो मेरी क्या हालत हुई। एक्चुअली शॉक सरप्राइज था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जो बहुत अच्छा वाली फीलिंग है 2 सेकंड बाद है, पहले तो शॉक, क्या क्या ये सब डेली सब है ना, डिडिंग डिडिंग डिडिंग, वो तो आने ही है, व्हाट द हेल, सुन लो ना, ऑनेस्टली मुझे तो शादी के वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते भी लग रहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बता, शी एक्चुअली चेक्ड विद माय सिस्टर कि आ रहा है नहीं आ रहा है, आई कॉल्ड हिम कि आई एम ऑन माय वे, 10 मिनट लेट हो गया था, तो आई कॉल्ड हिम, फोन नहीं उठाया, बहन को फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, दोनों के दोनों गुरुद्वारे में दोनों फोन नहीं उठा रहे, ये क्या बात है, मेरे मम्मी को फोन किया कि गया कि नहीं गया, मुझे सच में लग रहा था पता नहीं वहां जाके मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं इस घर आऊंगी कि उस घर जाऊंगी, कुछ भी मालूम है। पहली बार जब जेन्यून सिंदूर उठाया और जेन्यून मांग भरने जा रहा था यहीं पे हाथ अटक गया, हाथ कांपना शुरू हो गया, मेरे को लगा मनीष तेरी तो वाट लग गई, तेरी शादी होने जा रही है, तो मतलब और भी सारे सारे थोड़े मिर्जापुर वाले वर्ड्स दिमाग में आए, फिल्म रील की तरह पूरी पूरी लाइफ सामने आ गई, हाँ एग्जैक्टली, पूरे स्लो मोशन में जा रहा था, सारे मिर्जापुर वाली गालियां याद आ रही थी, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, तभी है ना फॉर्चुनेटली हमने मास्क पहने हुए थे, मास्क के पीछे से आवाज आई, चुपचाप सिंदूर डाल और जब मैं भी बोलू नहीं ये इसके साथ मिली हुई है, दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, और दूसरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको पूरा यकीन था ये शादी के पहले भागने वाले हैं। My friend, she was in Indore and she's like, she calls me, she's like, Manish, don't do what you're thinking. And if you do, come to my house. She clearly, she's like, I will not be surprised if there's a knock on the door and you open it, it makes a new one. तैयारियां was on another level because इसमें आप बाहर नहीं जा सकते तब, अभी तो थोड़ा we have dared to remove the masks. लेकिन उस time पे हम लोग even in a phase we didn't know what is going to happen. तो even इसका मेहंदी लगाने के लिए she had to put her foot down कि नहीं मैं मेहंदी लगवाऊंगी. नहीं तो वी लाइक जैसे भी it was absolutely crazy because हम लोगों ने सारा arrangement fortunately everything was at home, हम लोगों को निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, सब सभी घर पे measurements हो गए, designs जो चाहिए थे सब मिल गए, हमने सब कुछ घर पे किया, we celebrated every function virtually, हर एक चीज़ को वैसे डिज़ाइन किया गया था ताकि कोई भी ऐसा ना फील करे, because this was a very awaited wedding in my family and her family. So, सब लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, nobody should miss out on the fun. तो ये सारे वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल संगीत हुआ जिसमें सबने परफॉर्म किया, वर्चुअल पार्टीज हुई, वर्चुअल मेहंदी हुई, एंड एवरीबडी वाज देयर, शी गॉट इंट्रोड्यूस टू द फैमिली, सो देयर वाज नथिंग व्हिच वाज लेफ्ट आउट, इसीलिए एक ही चीज बनाती है बेवकूफ। नहीं नहीं बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसकी जिंदगी में पहले खाना बनाने के लिए दो लोग थे, एक भाई एक भाई, अभी यहाँ आके मेरे लिए सीखी है, एंड शी डज इट, शी पैम्पर्स द होल फैमिली, या शी इज बीन अ रिस्पॉन्सिबल बहू ऑफ द हाउस एंड अ वेरी स्वीट वाइफ, जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज इसका भी एक लेवल है, इसका टेम्पर दिखाने का तरीका अलग है, बहुत सटल है, ये सीधा चली जाती है, ये झगड़ती वगड़ती नहीं है, हट ये सब बातगिरी भी नहीं करूँ, सो दैट इज अ थिंग, एंड ऑल्सो यार मुझे झेल लेती है, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट, बिकॉज किसी के साथ रहना जो 24 घंटा मस्ती करे, इट इज़ अ टॉर्चर, एंड लाइक बाहर खेल लो, लाइक किसी से खेलना है 3-4 घंटे खेल लो फिर घर जाओ मजा आता है, लेकिन 24 घंटा कोई ऐसे करे, देर आर टाइम्स, एक दिन आई टेल एवरीबडी इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट, वैसे मैं जल्दी उठ जाता हूँ, ये एक दिन मैं सोया हुआ था, तो ये सुकून भरी जिंदगी अपने मेरे जो स्टडी टेबल का चेयर है उस पर बैठ के चाय पी रही है, एंड देन घूम रही है, मैं देख रहा हूँ, and suddenly I got up and इसके की ज़िंदगी का बोला सुकून ख़त्म, she looks at me, उठ क्या, सारी शांति बर्बाद, अब चूम चैप्टर अटल होगी, सब शुरू हो जाएगा, तो yeah, so I've been a torturous husband and she's been very very sweet and very those, she's been the piece of
on the house. ये जितना मस्तीखोर हैं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत मस्तीखोर हैं. He's very childlike, but he's not a child. He understands. He's very mature, and he can take care of me. I mean, मेरा temperament, I think इतना जो peace आया है ना, it's because of him. कि in a way, we, I think अभी कॉफी नहीं चाहता. मेरा पीस है इनके वजह से. ही कीप्स मी काम एंड ग्राउंडेड एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. इवन इफ एट टाइम्स यू नो देयर वर टाइम्स व्हेन आई एम सॉरी बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड तब इन्होंने भी पेशेंस रखा तीन तीन चार चार दिन. और या इट्स द सेम थिंग एक्चुअली. सो द पीस कम्स फ्रॉम हियर एंड ही रियली रियली नो हाउ टू टेक केयर ऑफ मी. मुझे झेल लेते हैं सबसे अच्छी बात. आई थिंक मैं बनाता हूँ. Rational, irrational, it doesn't matter. It just comes. And then later, then when she's vented out everything, then when we talk about it, ki haan, bhai, this is what you said was rational, this was irrational, and then she has the understanding. First thing is you have to listen to everything. So I think that's the trick of every marriage. मतलब मैं अपने बाल कलर करवाने आई हूँ, but मैंने बोला भी है, be comfortable घर पे रहो आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है, तीन चार घंटे क्या करोगे माँ? नहीं, I'll be there. पत्नी धर्म निभा रहे हैं. He's very, very sweet. And he takes care of me, right? There was a phase where I knew that I need somebody जो मेरा ख्याल रख सके. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था जिंदगी में, लेकिन at some point ऐसी feeling आई, and that happened only once I met him. हाँ यार ज़रूरत है मुझे भी कि कोई मेरा ख्याल रख सके. And he does that very well. First time जब मैं मनीष के घर गई थी तो इन्होंने चाय बनाई थी मेरे लिए. वाह. हाँ तो अब वो बार बार करने की जरूरत नहीं है. और चाय समोसे मैं लेके गया था अप्रूवल के लिए. अप्रूवल के लिए 3 महीने लग गया. I don't want to change anything about him. ये जैसा है बहुत अच्छा है, नहीं तो आज मैं इसके बाजू में से नहीं बैठी होती. नहीं मुझे कुछ नहीं पता था. I don't think ऐसा कुछ भी है कि you know which I would like to change in her, because I think she understands everything. ये दिन में 3 बार आती है और एक एक घंटे के लिए नहाती है, तो 3 घंटे मेरे से दूर रहती है. 2 बार दो घंटे जो 3 घंटे जितने लगते हैं. सो बेसिकली हाँ तो ये बेसिकली ना इसका आधा जिंदगी तो बाथरूम में जाता है. तो इसके लिए मैं मतलब कितना नहाता है यार बंदा. आई डोंट नो बट या सो दैट इज वन थिंग विच इज इफ आई हैव टू प्रैक्टिकली स्पीक दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज एवरीथिंग इज फैंटास्टिक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. इफ वी हैव टू लिव इट प्रॉब्ली विल बी वी वुड वांट टू डू अ डेली एज़ टुगेदर लाइक यू नो. फिर से इसे वापस से पटाऊंगा, उसमें थोड़ा जल्दी पटेगी आसानी से पटेगी, टैंट्रम्स कम होंगे. बट या आई थिंक या तो बेसिकली आई थिंक आई वुड प्रेफर टू हैव अ रोमांटिक फिल्म टुगेदर.